अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचती रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बल्दियात शहराम खान तरकाई, सेनेटर लियाकत खान तरकाई, एमएनए उस्मान खान तरकाई और एमपीए मोहम्मद अली तरकाई के जेर इंतजाम सवाबी में एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें एएनपी के कारकुनों ने शमूलियत का ऐलान किया। जलसा आम से खिताब करते हुए एमएनए उस्मान खान तरकाई ने कहा कि सवाबी में घर घर गैस सप्लाई हमारा मिशन है, जो तकमील के मराहल में दाखिल हो चुका है। हम सियासत में अवामी खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं और इसी जज्बे के साथ अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसी मौके पर शहराम खान तरकाई का कहना था कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हर फोरम पर सही मायनों में पाकिस्तानी अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। इंडिया को भरपूर में जवाब दिया गया, जिससे कौम का मुराल बुलंद हुआ है। हमारा अमन की कोशिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है। अवाम का पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करना साबित करता है कि पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त है। हमारे मंशूर में अवाम की बुनियादी मसाइल को हर सूरत हल करना अवालीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई की हुकूमत ने जो वादे किए वो अवाम पूरा होते हुए देख रही है। अमन, खुशहाली और मुआशी मजबूती से तब्दीली आ रही है।